हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग आस्क डॉक्टर नम्रता। आज विश्व मधुमेह दिन है और इस अभियान का ये उद्देश्य है कि मधुमेह परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव के जागरूकता को बढ़ाना और मधुमेह एजुकेशन यानी डायबिटीज एजुकेशन इस शिक्षा में फैमिली को इन्वॉल्व करना। इससे पहले आपको डायबिटीज के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। पहला, हर दो में से एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। That is, one in two people have diabetes and they remain undiagnosed. दूसरा, diabetes is a leading cause of many illnesses like blindness, heart diseases, stroke, kidney failures, limb amputation, etc. और तीसरा, in 80% cases, diabetes is preventable only by adoption of healthy lifestyle methods. इसीलिए type 2 diabetes से बचने के लिए परिवार को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब एक परिवार अच्छा खाता है और साथ में व्यायाम करता है तब इसका लाभ सारे सदस्यों को होता है और इसीलिए ऐसा व्यवहार परिवारों में प्रोत्साहित करने से टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट किया जा सकता है। आइए जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स। हालांकि ऐसे कई कारण हैं जो टाइप 2 डायबिटीज को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रभावशाली कारण है जीवन शैली व्यवहार, दैट इज लाइफस्टाइल बिहेवियर। ये अर्बनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और इनमें सबसे प्रभावशाली है अनहेल्दी फूड्स, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और इनएक्टिव लाइफस्टाइल। सो टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स में पहला है मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, दैट इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। दूसरा, अधिक वजन, दैट इज बीइंग ओवरवेट। तीसरा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। चौथा, अनहेल्दी डाइट माने अस्वास्थ्यकारी आहार। पांचवा, आपकी बढ़ती उम्र, इंक्रीजिंग एज। छठा, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। पांचवा, बिगड़ा हुआ ग्लूकोज टॉलरेंस यानि IGT। छठा, एथनिसिटी। फिर नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, गर्भवती मधुमेह का इतिहास। और नेक्स्ट, गर्भ अवस्था के दौरान पुअर न्यूट्रिशन। उन महिलाओं को जिनका वजन अधिक है उन्हें IGT से डायग्नोस किया गया है। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज था तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना है। इसीलिए सामान्य लोगों के स्वस्थ आहार के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सिफारिशें दी है। आइए इन्हें जानते हैं। पहला, सोडा, एरिटेड ड्रिंक्स और अन्य चीनी से मिले हुए मीठे पेय का सेवन ना करें। हर दिन कम से कम 3 सर्विंग हरे पत्तीदार सब्जियां खाएं। नेक्स्ट, हर दिन एटलीस्ट 3 सर्विंग ताजे फल खाएं। इसके अलावा स्नैक्स के दौरान फ्रेश नट्स या कर्ड्स ये ले सकते हैं आप। लाल मांस के बदले में सफेद मांस, पोल्ट्री और सी फूड को चूज करें। नेक्स्ट, आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के बदले में होल ग्रेन्स को चूज करें। होल ग्रेन्स यानी आप बकवीट यानी कुट्टू की रोटी ले सकते हैं, ओट्स, बार्ली इनकी रोटी ले सकते हैं और ब्राउन राइस ये कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा सजेशन ये है कि आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो एक्सरसाइज वॉकिंग हो या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो। मैं आशा करती हूँ कि डायबिटीज से बचने के लिए आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर कदम बढ़ाएंगे और ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे। अप टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।